क्या फ्रेंड्स आप भी अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ता है, यानी अपनी डीपी को चेंज करना पड़ता है। तो किस प्रकार कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि अभी इंस्टाग्राम ने हाल फिलहाल में एक अपडेट जारी किया, उस अपडेट के आपको कुछ समस्या आ रही है वो भी मैं समस्या को प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा, और इंस्टाग्राम पर डीपी या किसी प्रोफाइल को हम चेंज कैसे कर सकते हैं हम आज के इसी वीडियो में जानेंगे। तो चले गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास में लेन घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होती है, उस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस अपनी प्रोफाइल होती है, अपनी प्रोफाइल आपको क्लिक कर लेना। जैसे अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ताकि आपको मैं बोले कोई समस्या आ रही होगी तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और मैसेज का मैं 100% जवाब दूंगा और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो गाइस मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो फ्रेंड्स जैसे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको देखो एडिट प्रोफाइल, उसको आपको क्लिक कर लेना। जैसे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको देखो एडिट पिक्चर एंड अवतार, उसको आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको देखो न्यू पिक्चर प्रोफाइल, उसको आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे अपनी प्रोफाइल होती है उसका आप चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक प्रोफाइल है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो गाइस आपको दिख रहा हो तीर का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे तीर का आइकन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको फिर से तीर का आइकन पर क्लिक कर लेना, और ये अपनी प्रोफाइल होगी, अपनी डीपी होगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अपने प्रोफाइल को चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद उसको राइट कर आइकन दिखा दिया, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा अपनी प्रोफाइल डीपी होगी वो चेंज हो जाएगी आसान तरीके से। देखा मैंने अभी डीपी चेंज हो चुकी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चले गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।